नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अखिलेश साहू। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं थाना जाखलोन के अंतर्गत ग्राम देगुड़ से, जहां इस भीषण गर्मी में बहुत ही जल की समस्या है। यहां 10 अवतार के पीछे करीब 15 से 20 लोगों का परिवार है जो पानी की समस्या से काफी जूझ रहा है। यहाँ जो 4 हैंडपम्प है उनका जल स्तर नीचे चला गया, उनमें अगर पानी भी है तो बड़ा ही दूषित पानी है। आइए आपको चित्रों में हम दिखाते हैं कि ये दूषित पानी है, ये बहुत ही दूषित, ऐसा दूषित पानी पीने पर लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं यहाँ के लोगों को यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी है, उस नदी में पानी लेने जाना पड़ता है। जहाँ महामारी के चलते हुए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया, तो वहीं यहाँ के लोगों को मजबूरी में लॉकडाउन जैसी नियम का उल्लंघन करना पड़ रहा है और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। उस समस्या को देखते हुए लोग करीब 1 किलोमीटर दूर यहाँ अपने पानी की व्यवस्था के लिए जा रहे हैं। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है पानी की। क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। क्या समस्या है पानी की? यहाँ पानी की बहुत सारी समस्या है, क्योंकि जो जल संस्थान की पाइपलाइन डली थी वो काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है और इस समय बहुत संकट है पानी का यहाँ पर, और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और यहाँ से कम 1-2 हैंडपम्प है और यहाँ कम से कम 20 परिवार रहते हैं, जिसमें 150-200 सदस्य हैं, मतलब कैंडिडेट है पानी की, लेकिन यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है और पानी लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है नदी से, और दिन भर इसी में निकल जाता है। और इस समय देश में महामारी जैसी घटना घट रही है और इस समय पानी की बहुत समस्या है अभी, और इसलिए प्रशासन ना कुछ करता है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। का नाम दादा? जो सिंह ना हमारा। का समस्या है? पानी नहीं मिल रहा पीवी। अच्छा। नदी से 1 किलोमीटर से ले आ रहे बहरे पानी हमारी खच खच के। नाम है? संग्राम सिंह। क्या समस्या है पानी की? समस्या जो है कि पद भाग के पीछे रथ है। हाँ। और 1 किलोमीटर दूर से पानी लिया नहीं आगे, 2 हैंडपम्प खराब हैं और नए तो पाइप ले दिया और पाइप मतलब टूटी से बहुत दिन से नहीं है और पानी की बड़ी परेशानी है। 1 किलोमीटर से पानी नए से पूर्ति कर रहे और प्यासन की मतलब समस्या ज़्यादा है पानी की। ये जो समस्या हमने आपको बताई है ये थाना जागलोन के अंतर्गत ग्राम देगुड़ की है, जहाँ पर बहुत भीषण समस्या बनी हुई है पानी की। यहाँ दूषित पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए देवगढ़ से नीरज शर्मा के साथ अखिलेश साहू की रिपोर्ट।